हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से। और जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को हॉट 30 आए, जी हाँ, आज ही इंडियन मार्केट में आया है, इसका वीडियो बताने वाला हूँ। सो यार देखो, शुरुआत जो है वो हम लोग करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। फ़ोन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑफकोर्स बहुत ही सही दिखता है फ़ोन, पूरी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फटाक से जो इसकी अनबॉक्सिंग है वो मैं आपको दिखाऊँ। तो भैया इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मिला था फ़ोन, ठीक है, जिसको इसके बाद इसको हटाएंगे तो यहाँ पर ये इसका चार्जर, USB टाइप सी केबल, ठीक है, और साथ में एज यूजुअल है जो अपने को मिलता है, भाई देख लो, इन्फिनिक्स के जो अपने डॉक्यूमेंट हैं वो, यूज़र मैनुअल, और साथ में एक यहाँ पर सिम ट्रे। एक जो चीज़ है इस बार जो अपने को एक डॉलर मिलता था, इस बार आई गेस वो मिसिंग है ऐसा, पर ठीक है, जिनका एक्स वाला जो क्लब का कुछ होता था वो, और साथ में है ये आपको एक मिलता है भैया, ये देखो प्लास्टिक का अपना बैक कवर जो फ़ोन के लुक को छुपाएगा नहीं और इसको कवर भी करके रखेगा ताकि ये सेफ रहे, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग है, देखो इससे जल्दी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता था। आते हैं भाई फ़ोन के ऊपर, तो देखो यार पूरा वीडियो देखना, इसमें इसकी बहुत सारे कैमरा सेंपल्स क्या मुझे अच्छा नहीं मिला वो भी मैं आपको भी बताऊंगा जैसा मैंने बोला था। तो आप यहाँ पर देखोगे भैया, सबसे पहले डिज़ाइन से शुरू करें तो ये देखो आप, ऐसे डायमंड का ऐसे आपको ये फील देगा इस तरीके से। डिज़ाइन मैं बोलता हूँ बहुत ही बढ़िया है। वेट इसका 191 ग्राम से तो मैं बोलूँगा ठीक है, थोड़ा सा मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, लेकिन आपको शायद से भारी लग जाए, कभी हल्का लगेगा ऐसी वाली बात है। कैमरा प्लेसमेंट आप देख सकते हो, AI ड्यूअल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, ये फ्लैश है, देयर इज नो एक्स्ट्रा लेंस, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो आप ये देखो फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है। इस साइड पे आओगे सिम ट्रे है, अप टॉप एकदम नीट एंड क्लीन, और नीचे है इसका 3.5 mm जैक, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, जी हाँ है ना, पीछे मैं आपको पूरा दिखा चुका हूँ। कमिंग टू द फ्रंट, ठीक है, आप ये है मेरा पासवर्ड किसी को बताना मत, ठीक है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है ये नॉच के साथ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो, इसी में इसका फ्रंट कैमरा है, ठीक है। बेजल्स भी आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले है। जिन लोगों का सवाल है भैया रिफ्रेश रेट का क्या हिसाब किताब है, तो जी हाँ, आपको यहाँ पर आप देखोगे आपको 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देख लो भैया 90Hz पे इसको मैंने सेट कर दिया है, ठीक है, वैसे ही जो दूसरे ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो डिस्प्ले कैसा है यार, तो देखो इन्होंने ना ऐसे बोला है ब्राइट डिस्प्ले है, तो यार ठीक है, डिस्प्ले इसका मैं बोलूँगा सही है। हार्ड सनलाइट पर परेशानी आएगी, 500 nits ऑफ आपको ब्राइट मिलेगी, एकदम हार्ड सनलाइट है तो दिक्कत आएगी, वरना वैसे जो है भैया डिस्प्ले बढ़िया है। आप इसकी एक बार जो पीक ब्राइटनेस है आप वो भी अगर देख लोगे, ये देखो मैंने इसको हटा दिया, और ये इसकी हाईएस्ट ब्राइटनेस है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट की भैया, अभी देखो कैमरे के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करेंगे, तो अब यार जरा कैमरे के ऊपर बात करते हैं। तो ये देखो यार, ये इसका भैया कैमरा UI है, यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो आप इससे फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि सिर्फ 30 FPS पे ही रहेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको, ये देखो भैया 30 FPS देखने को मिलेगा। AI कैमरा है इसका, ठीक है, और ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट, अभी सबके स्क्रीनशॉट्स बोल रहा हूँ मैं आपको, कैमरा से पर दिखूंगा। और यार ये मुझे ना बहुत ही बढ़िया लगा, अभी इसमें भी इसी से हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही एक बार आप यार ये यहाँ पर आके थोड़ा तबीयत खराब है, सो आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो शटर स्पीड, ठीक है ना, सॉरी ये देखो शटर स्पीड, और ये थी भैया फोकस स्पीड, यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। यार कमिंग टू द कैमरा सैंपल्स, तो यार आप देखो ये इसका एक है शॉट, और इसी के साइड में आपको इसका 50 MP वाला शॉट भी देखने को मिल जाएगा। तो यार देखो मैं आपको ना हर एक फोटो के लिए एक बाय डिफॉल्ट एक चीज़ बोल देता हूँ कि यार अगर आपके पास एम्पल सनलाइट है, लाइट अच्छी, लाइटिंग कंडीशन बढ़िया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लो लाइट में काफ़ी परेशानी आने वाली है, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको बता दिया इसके, ये देखो इसके अंदर ये जो कलर है, इसमें कलर काफ़ी एक्यूरेट नहीं है, जो आपको ऐसे ये ट्रैक्टर का जो फोटो दिख रहा है ना, जी हाँ ये इतना ही ब्लू था ट्रैक्टर, ऐसा नहीं जिसने एक्स्ट्रा हो गया, तो ये है कि भैया कलर तो इसने ठीक से कैप्चर किए थे। एक क्लोजअप शॉट भी देख लो यार आप, यहाँ पर आपको जूम करने पर भी ठीक सी क्वालिटी मिलेगी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सनलाइट है तो दिक्कत नहीं आएगी। कमिंग टू द पोर्ट्रेट शॉट, तो यार आप यहाँ पर देखोगे भैया पोर्ट्रेट शॉट में बोलूँगा कि हाँ मतलब सही है, ठीक है, इसने बैकग्राउंड को थोड़ा ज़्यादा हार्श मार दिया, लेकिन कटआउट को आप देखोगे तो वही इसने ठीक लिया है। मेरे कंधे पे आप देखोगे तो जो भैया थोड़ी एजेस वगैरह हैं वो थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है, शार्प नहीं है, तो ये वाली चीज़ है, पर ठीक है पोर्ट्रेट शॉट अच्छा है, मैं ये वाली चीज़ बोल दूंगा कैमरा स्पेक्स के हिसाब से, ठीक है। अब आया था भैया AI शॉट, यार ये देखो ये मुझे ना बहुत बढ़िया लगा, फ्रंट में और आपको रेयर कैमरा दोनों में देखने को मिलेगा। ये देखो बिल्ली, बतख, और मैंने ये भी बना दिया था अपने आप पे मूँछ ऊँच लगा दिया, तो ये भी एक मुझे काफ़ी फन वाली चीज़ लगी है। तो ओवरऑल कोई अगर मुझसे पूछेगा भैया इसका कैमरा कैसा है, तो मैं बोलूँगा यार देखो रेयर कैमरा सही है, फ्रंट कैमरा आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है, 5 MP का फोकस थोड़ा इतना शार्प नहीं लिया, ठीक है। कैमरा देख लिया, आते हैं भैया परफॉर्मेंस के ऊपर, तो यार ये पहले PUBG खोल देता हूँ मैं,
सो दोस्तों आप देखोगे भैया ये गेम हमने खोल लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार कि इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का हेलियो G37 जो है प्रोसेसर मिलता है, और आप देखोगे हाईएस्ट भैया फ्रेम रेट जो है वो आपको यहाँ पर 25 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बैलेंस और स्मूथ दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है, एच डी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो यार जैसे मैंने बताया इतना कोई पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, तो आपको पर एक जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बोलना चाहूँगा कि यार जो लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई तो ये बताते गेमिंग के लिए कैसा है, तो यार मैं बोलूँगा ऐसे देखो आधे घंटे वाली गेमिंग करनी है, ठीक है, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाली बात है। पर साथ में फ़ोन ना मुझे जितना मैंने इसमें गेम प्ले किया ऐसे में, तो मैंने आई थिंक कुछ 45 मिनट्स लेके एक घंटे के आसपास गेमिंग करी थी दो दिन तक, ठीक है। और मैं बता दूँ यार इसमें ना ये जो फ़ोन है मुझे भाई काफ़ी मतलब ऐसा लगा कि यार फ़ोन ना देखो गर्म तो होता है, ऐसी वाली बात है, ठीक है। पर मतलब वही कि मैं ऐसे बताया कि इट्स नॉट अ गेमिंग फ़ोन, तो आप ये नहीं बोल सकते भाई मुझे तो गेमिंग फोन एकदम फास्ट चाहिए। अगर आधे घंटे ही गेमिंग करनी है भैया मैं बोलूँगा ले ले कोई दिक्कत है। मतलब ऐसे 45 मिनट्स पे दिक्कत होगी, 35 मिनट्स पे भी दिक्कत होगी, 30 मिनट्स के अंदर अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। तो और हाईएस्ट फ्रेम रेट जो है भैया वो तुम्हें 25 का मिलता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक बार आप देख लो भैया तुमको जो बाकी की चीज़ें हैं भैया इसके बारे में, माई फोन पर अगर आप देखो तो यार 8GB की रैम आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया G37 है। कैमराज के बारे में आपको बता चुका हूँ यार, ठीक है, और 8GB की आपको एक्सपेंडेबल जो है वो भी मिल जाता है, तो 8+5 आप देखो रैम और रोम, सो वो वाली बात है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो लिखा हुआ है 16GB, तो 8+8GB रैम आपको मिल जाएगी, ऐसा है, ठीक है। 5000mAh की बैटरी है, ये मैं आपको भी आगे एनीवेज बताने वाला था। HD+ डिस्प्ले ये सब तैयार मैं आपको बता चुका हूँ, और ये आप यहाँ पर देखोगे XOS वर्जन 12 आपको एंड्रॉयड 12 के साथ देखने को मिलेगा। तो देखो मैंने आपको परफॉर्मेंस बता दिया है, ठीक है ना, डिस्प्ले कैसा है ये बताया है, कैमरा सैम्पल्स प्लस कैमरा स्पेक्स भी बता दिए हैं। सो एक बार अगर थोड़ा समराइज करें तो यार देखो फोन दिखने में मैं बोलूंगा भैया पीछे से बहुत बढ़िया है, मजा आएगा। डिस्प्ले भैया मैं बोलूंगा डिसेंट है, जैसा बताया हार्ड सेंसर है, IPS पैनल है, ठीक है ना, 6.6 इंच का HD+, 8GB 128GB का आपको मिल जाएगा, अप टू 16GB तक आप वो आपको जो बताया था वो वाली चीज़ रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद MT यानी कि मीडियाटेक हेलियो G37, 50MP AI डुअल कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा, 5000mAh की बैटरी। तो भैया फोन लेना है या नहीं लेना ये बताए, स्पेक्स मत पड़ा अगर आप मुझसे ये बोलोगे तो बोलूँगा डिज़ाइन में मैं बोलूँगा हाँ जी बढ़िया मार्क्स है, परफॉर्मेंस में मैं बोलूँगा यार थोड़ा सा वही देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। कैमरा के लिए अगर आपके पास प्रॉपर लाइटिंग है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर थोड़ा लो लाइट में गए तो भैया तुम्हारी टूट जाएगी, ठीक है। फ्रंट कैमरा मैं बोलूँगा यार ठीक है, सेल्फी के लिए मैं बोलूँगा इतना खास नहीं है ऐसा, बट ऑल इन ऑल वो वाली बात है कि अगर आप एक बोल रहे हो ना कि ठीक है डिसेंट डिसेंट फोन देखने इस प्राइस में, डेफिनेटली आप हॉट 30i जो है इसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये था मेरा सोचना इस फोन के बारे में, लेकिन आपका अभी भी कोई सवाल हो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।